अस्सलाम वालेकुम, यू आर वॉचिंग हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी। मैं हूं डॉक्टर दीना सनम विद फार्मा गाइड। आज मैं डिस्कस करूंगी एक बहुत कॉमन टेस्ट होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसको हम CBC कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, या ये कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल होती है आपकी। इस टेस्ट को डिस्कस करते हैं, बेसिकली व्हाट दिस टेस्ट इज टेलिंग यू एंड व्हाई इज इट परफॉर्म्ड। बहुत रूटीनली ये परफॉर्म किया जाता है, या कोई भी सिंपल सिम्टम्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे जो है उसमें ये सजेस्ट कर दिया जाता है। व्हाई कंप्लीट ब्लड काउंट की अगर हम बात करें तो सिंपल व्हाट इज इट टेलिंग यू पहले बात करते हैं। ये बहुत सारी डिजीज़ का डायग्नोसिस करता है, डायग्नोस करता है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद योर हेल्थ, कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है। एक जनरल अगर हम कहें कि ओवरऑल हेल्थ को एवेलुएट करता है ये। उसके अलावा ऐसा भी होता है कि व्हेन यू आर टेकिंग सर्टेन मेडिकेशंस, मेडिकल ट्रीटमेंट आपकी कोई चल रही होती है, तो उससे लाइक फॉर एग्जाम्पल कीमोथेरेपी, तो उससे भी आपके ब्लड पे जो है एक इफेक्ट हो रहा होता है। तो उसको देखने के लिए कि क्या इफेक्ट हो रहा है, उसको डिटेक्ट करने के लिए CBC इज परफॉर्म, ताकि जो भी ट्रीटमेंट है उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया जा सके। उसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ कंडीशंस, इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए कुछ सिम्टम्स अगर आ जाते हैं, सिम्टम्स जिसमें स्पेशली अगर आपकी ब्रूसिंग हो रही है या ब्लीडिंग हो रही है कहीं से, उसके अलावा आपकी फटीक है, डिजीनेस है, वीकनेस है, नोजिया, वॉमिटिंग है विदाउट एनी स्पेसिफिक रीज़न, तो जो है उस पर भी CBC परफॉर्म किया जाता है टू नो कि वॉट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन विद योर हेल्थ या विद योर बॉडी। और ये ऐसा टेस्ट है कि यू शुड गो फॉर इट रूटीनली, कुछ कुछ टाइम बाद, कुछ मंथ्स बाद जो है आप ये खुद से को परफॉर्म करवा लिया करें, जिससे आपकी ओवरऑल हेल्थ का आइडिया हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी डिजीजेस होती हैं जिसको ये डायग्नोस करता है। सबसे पहले आपके पास आती है अनीमिया। अनीमिया इज़ बेसिकली जब आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो इनफ नहीं होते, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स आर कैरिंग ऑक्सीजन, तो डेफिनेटली व्हेन RBCs आर नॉट इनफ, तो ऑक्सीजन भी इनफ नहीं हो पाता। उसके अलावा आपके जो बोन मैरो डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें एक बहुत कॉमन होती है माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम होता है, उसको ये डिटेक्ट करता है। Then there are disorders such as thalassemia, sickle cell anemia, agranulocytosis, ये सारे आपके ब्लड से रिलेटेड होते हैं, इनको डायग्नोज करता है। इन्फेक्शंस जो होते हैं वो पता चलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स आपकी बॉडी में होते हैं जो कि जो फाइट ऑफ कर रहे होते हैं इन्फेक्शंस को, तो इफ़ दे आर हाई दैट मीन्स देर सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन। देन देर आर सर्टन टाइप ऑफ कैंसर्स लाइक ल्यूकीमिया हो गया या लिम्फोमा हो गया, उसको जो है डिटेक्ट करता है। CBC से आइडिया होता है कि वेदर इफ़ अ पर्सन हैज़ सम कैंसर और नॉट। देन देर आर साइड इफेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी, या कोई भी प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन हैं उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो कि आपके CBC डिटेक्ट कर सकता है। उसके अलावा कुछ वाइटमिन एंड मिनरल डिफिशियंसीज होती हैं जिसको CBC के थ्रू डिटेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद डिस्कस करते हैं कि व्हाट अ CBC इज़ मेजरिंग। अगर हम यूजुअली देखें तो हमें पता होता है कि वाइट ब्लड सेल्स RBCs होते हैं, बल्कि जनरली मैं कहूँगी पब्लिक जो होती है उनको सिर्फ हीमोग्लोबिन या प्लेटलेट्स का ही आइडिया होता है कि हीमोग्लोबिन कम है ज़्यादा है, प्लेटलेट्स कम है ज़्यादा, बस वो उसी पर फोकस्ड होते हैं रादर कि जो पूरी एक आपकी रिपोर्ट होती है उसको देखा जाए कि वो क्या क्या चीज़ है। जो कॉमन आपके एस्पेक्ट्स होते हैं या फीचर्स होते हैं इस आपके पूरी प्रोफाइल में, वो सबसे पहले आपके वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा है, जैसे मैंने बात की वाइट ब्लड सेल्स यानी WBCs जो होते हैं, they are fighting off the foreign bodies that come into your body, koi bacteria ho gaya, koi virus ho gaya, they have to face immunity, ek immune system hota hai hamari body ka, usko face karna hota hai, jisme white blood cells jo hain they are participating, aur ye us foreign body ko uske against act kar rahe hote hain. If you have too much of white blood cells in your body, that means there is some kind of inflammation ya infection ya koi bhi medical reaction aapki body mein ho raha hai. If you have too low of them, that means ke aap bahut सेंसिटिव हैं, बहुत ईजिली आप वल्नरेबल हैं किसी भी इन्फेक्शन से। RBCs होते हैं लाइक आई सेड अर्लियर कि RBCs जो है दे आर कैरिंग दी ऑक्सीजन इन योर बॉडी, और दे ऑल्सो कैरी कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसका लो काउंट होता है तो यानी एनीमिया या कोई अदर ब्लड कंडीशन हो सकती है। हीमोग्लोबिन आपका बहुत कॉमन, आपको सबको पता होता है कि इट्स अ प्रोटीन दैट इज़ कैरिंग योर दैट ये ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है या आपकी ब्लड में होता है। हेमाटोक्रिट क्या होता है? हेमाटोक्रिट का भी RBC से ही जो है वो ताल्लुक होता है। ये बताता है कि आपका ब्लड का कितना परसेंट जो है वो, कितना पोर्शन जो है वो RBCs से बना है। अगर लो होता है, इसका मतलब होता है कि आपका जो है वो आयरन की कमी है। आयरन जो होता है RBCs बनाता है, दैट इज़ द मिनरल दैट मेक्स अप द RBCs। तो अगर आपका लो है हेमाटोक्रिट, दैट मीन्स यू हैव लो आयरन इन योर बॉडी, और हाई है तो दैट मीन्स देर कुड बी डिहाइड्रेशन और सम अदर मेडिकल कंडीशन। उसके बाद एक आता है MCV
एमसीवी होता है, मीन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम होता है, बेसिकली ये एवरेज साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स बताता है। अगर ये बड़े हैं एमसीवी ज़्यादा, अगर रेड ब्लड सेल्स आपके बड़े होते हैं तो एमसीवी बढ़ता है, एमसीवी बढ़ा हुआ होता है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में आइदर फोलेट की कमी है या वाइटामिन बी ट्वेल्व की कमी है। और अगर ये कम होते हैं, आरबीसीज का साइज कम होता है, तो दैट कुड बी एन इंडिकेशन ऑफ एनीमिया। फिर प्लेटलेट्स आते हैं, प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लॉट करते हैं, अगर प्लेटलेट्स कम होंगे तो डेफिनेटली देर बी नॉट इनफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। और ये बताता है, अगर हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाएं कि इनकी जो रेंजेस होती हैं, अगर वो नॉर्मल, अगर वो एबनॉर्मल हैं तो वो क्या डिटेक्ट करती हैं, तो वो हम बताते हैं। आरबीसीज, हीमोग्लोबिन और हेमाटोक्रिट, ये चीज़ जो तीनों फीचर्स होते हैं, दे आर इंटरलिंक्ड टुगेदर, क्योंकि ये जो है आपकी मेजर कर रहे होते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ योर रेड ब्लड सेल्स। अगर इनका लोअर है नॉर्मल से रेंज, तो ये एनीमिया को डिटेक्ट कर रहा है, एनीमिया में फटीक होती है, वीकनेस होती है, और इसके बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं जिसमें जो है वो सर्टेन वाइटामिन्स, लाइक वाइटामिन्स की डिफिशियंसी भी हो सकती है, आयरन की डिफिशियंसी हो सकती है, ब्लड लॉस हो जाता है बहुत ज़्यादा, तब एनीमिया होता है, या कोई भी अंडरलाइंग कंडीशन हो सकती है दैट कुड लीड टू एनीमिया। उसके अलावा अगर इट्स हायर देन नॉर्मल, जो एरिथ्रोसाइटोसिस कहलाता है, या हाई हीमोग्लोबिन हो गया या हाई हेमाटोक्रिट हो गया, तो इट कुड अगेन पॉइंट टूवर्ड्स एन अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन, जिसको आप कोई भी पॉलीसाइथीमिया कहते हैं, पॉलीसाइथीमिया वेराइड कंडीशन होती है, वो हो सकती है, या कोई भी हार्ट डिजीज़ की तरफ ये इंडिकेशन हो सकती है। फिर बात करते हैं वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स अगेन एज आई सेड बिफोर के इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन को फाइट कर रहे होते हैं, अगर ये कम होते हैं तो इस कंडीशन को ल्यूकोपीनिया कहा जाता है, एंड इट मे बी कॉज्ड ड्यू टू एनी मेडिकल कंडीशन योर बॉडी, सच एज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, जो कि आपकी बॉडी के ही अपने वाइट ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होता है जब आपकी बॉडी ही आपके बॉडी में जो सेल्स होते हैं उसके अगेंस्ट रिएक्ट कर रही होती है, आपका इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी के अगेंस्ट रिएक्ट कर रहा होता है, तो इसमें वाइट ब्लड सेल्स को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहा होता है ऑटो इम्यून सिस्टम। उसके अलावा जो है बोन मैरो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या कैंसर हो सकता है जिसकी वजह से लो काउंट हो सकता है। मेडिकेशंस जो होती हैं, दे आर आल्सो सर्टेन मेडिकेशंस आर आल्सो नोन टू कॉज अ ड्रॉप इन द वाइट ब्लड सेल्स। अगर ये हायर हैं देन नॉर्मल, तो यू मे हैव एन इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन, यानी कि आपकी बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी एंटर हुई है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी ने, आपकी इम्यून सिस्टम ने वाइट ब्लड सेल्स बनाना शुरू किए हैं, तो दैट मीन्स कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन योर बॉडी। और इट कुड इंडिकेट कि कोई इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर भी हो सकता है, या कोई बोन मैरो डिजीज़, बोन मैरो का इन सबसे कनेक्शन होता है, तो बोन मैरो डिजीज़ में भी इनके रेंजेस एबनॉर्मल हो सकती हैं। इट कुड ऑल्सो बी अ रिएक्शन टू एनी मेडिकेशन। प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट काउंट जो अगर कम होता है, जिसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहा जाता है, या हायर होता है, जिसको थ्रोम्बोसाइटोसिस कहा जाता है, ये कोई भी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन का साइन हो सकता है, या किसी मेडिकेशन का सिम्टम हो सकता है। अगर ये जो है वो एडिशनल, जो आपकी जो नॉर्मल रेंज है उससे जो है वो बाहर है, तो इट इज़ मोर लाइकली चांसेस होते हैं कि आपको और फर्दर टेस्ट सजेस्ट किए जाएंगे, जिसकी वजह से और क्लियर पिक्चर आपके सामने आ सके, डॉक्टर के सामने आ सके कि व्हाट इज द एक्चुअल कॉज ऑफ हाई और लो प्लेटलेट काउंट। सो बेसिकली कुछ इसके फीचर्स होते हैं सीबीसी के, हमें जो है क्यों कराना चाहिए, जरूरी सीबीसी बहुत जरूरी होता है, बिकॉज इट इज गोइंग टू डिटेक्ट एनी कंडीशन दैट इज गोइंग ऑन इनसाइड योर बॉडी। हमारी बॉडी में जो है जो सिस्टम्स हैं उसमें कुछ ना कुछ देयर इज ऑलवेज हैपनिंग, और बहुत जरूरी है कि हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और जो है अर्ली डायग्नोज कर लें कि वेदर आर हेल्थ इज एज पर स्टैंडर्ड या देयर इज सम इशू, क्योंकि ये एक जनरल ओवरऑल हेल्थ को एवेल्यूएट कर लेता है, इसलिए सीबीसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी परफॉर्म्ड रूटीनली। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। सीबीसी अगर आपको करवाना हो तो आप हेल्थ सॉल्यूशंस के थ्रू भी करवा सकते हैं विद अदर टेस्ट एज वेल, एंड यू विल गेट वेरी गुड डिस्काउंट्स ऑन दीज टेस्ट एज वेल। तो फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।